सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आप जो है फोन पे का यूपीआई पिन आप भूल गए हैं या आप जो है फोन पे का यूपीआई पिन आप चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको जो है इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से फोन पे का जो है यूपीआई पिन आप रिसेट कर सकते हैं या आप जो है फोन पे का यूपीआई पिन आप चेंज करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो है सबसे पहले यूपीआई पिन को जो है आपको चेंज या रिसेट करने के लिए यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में एक प्रोफाइल का आइकन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिख जाएगा आप जो है कितने बैंक अकाउंट को ऐड किए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि किस बैंक का आप यूपीआई पिन आप भूल गए हैं या आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला ऑप्शन मिलेगा रिसेट का और दूसरा ऑप्शन मिलेगा चेंज का। अगर आप जो है फोन पे यूपीआई पिन आप चेंज करना चाहते हैं, पुराने वाले यूपीआई पिन को बदल कर आप एक नया यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं तो आप जो है चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ इंटर फोर डिजिट यूपीआई, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर फोर डिजिट ओल्ड यूपीआई पिन, तो आपको यहाँ पे पुराना वाला यूपीआई पिन डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पुराना वाला यूपीआई पिन डाल देते हैं। पुराना वाला यूपीआई पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है इंटर फोर डिजिट न्यू यूपीआई पिन, तो आपको यहाँ पे नया यूपीआई पिन आप डाल देंगे। जैसे कि कौन सा आप नया यूपीआई पिन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नया यूपीआई पिन डालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे नया यूपीआई पिन डाल देती हूं। नया यूपीआई पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है कन्फर्म फोर डिजिट न्यू यूपीआई पिन, तो आपको जो है फिर से नया यूपीआई पिन आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो है यहाँ पे नया यूपीआई पिन सेट हो जाएगा और पुराना वाला यूपीआई पिन यहाँ से बदल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप जो है यूपीआई पिन भूल चुके हैं, आपको पता नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिसेट का, देख सकते हैं। तो आपको रिसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको एटीएम कार्ड का जो है लास्ट का 6 डिजिट नंबर यहाँ पे डालने का ऑप्शन मिल जाएगा और एटीएम कार्ड का एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर, तो आपको जो है एटीएम कार्ड के लास्ट का 6 डिजिट नंबर डाल देना है और एटीएम कार्ड का एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर। तो चलिए हम यहाँ पे डिटेल डाल देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एटीएम कार्ड का जो है एक्सपायरी मंथ एक्सपायरी ईयर और यहाँ पे जो है एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट नंबर डाल दिए हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी डालने का ऑप्शन मिल चुका है, तो ओटीपी जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है सेट फोर डिजिट यूपीआई पिन, तो आपको यहाँ पे यूपीआई पिन आपको नया जो है यहाँ पे सेट कर लेना है जो आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे नया यूपीआई पिन डाल देती हूँ। नया यूपीआई पिन डालने के बाद जो है आपको फिर से राइट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है कन्फर्म फोर डिजिट यूपीआई पिन, तो आपको यहाँ से फिर से जो है कन्फर्म यूपीआई पिन आपको डाल देना है फोर डिजिट का। उसके बाद जो है आपका एक नया यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से जो है फोन पे का यूपीआई पिन अगर आप भूल गए हैं तो आप इस तरीके से रिसेट कर सकते हैं। अगर आप जो है चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।